नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब पे। और हमारे चैनल के माध्यम से एक आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, हमारा यही एक खास नज़रिया रहता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। तो बात कर लेते हैं इस मकान की लोकेशन की, जिस लोकेशन पर एक नए मकान के साथ हम आपके सामने आए। तो ये जो मकान की लोकेशन आती है आदिल नगर आपका आएगा और टेढ़ी पुलिया पर इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा मकान है और ये पश्चिम फेस का इंडिविजुअल 1 यूनिट हमारे पास है। और इसकी साइज़ अगर देखेंगे तो ये 1100 स्क्वायर फीट का आपको मकान मिल रहा है जो रेडी टू मूव है। पूरा मकान बहुत अच्छा बनाया गया। तो एक बार मैं कहूँगा यहाँ की जो लोकेलिटी आसपास की जो लोकेशन है वो दिखा दीजिएगा। तो ये जो रोड देख रहे हैं हमारा 22 फीट का रोड है जो आपको इंटरलॉकिंग रोड मिल जा रहा है। आसपास में सारी अच्छी बसावट, सारे अच्छे मकान चारों तरफ बने हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो सारी चीज़ें हैं, मकान का साइज़ 1100 स्क्वायर फीट है और इसका प्राइस की बात लास्ट में करेंगे। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम पूरे मकान की आपको विजिट करा रहे हैं। तो हम एंट्री कर चुके हैं अपने मकान में। जो हमारा मकान है 1100 स्क्वायर फीट का पश्चिम फेस का मकान है और इसका एलिवेशन भी एक बार दिखा दीजिएगा, जो मकान का एलिवेशन हमारा कितना सुंदर दिया गया। तो ये मकान का जो साइज़ है इसका फ्रंट जो रखा गया है वो 19 फीट फ्रंट है और इसका जो डेप्थ आएगा वो 60 फीट आपका डेप्थ आएगा, 19x60। बहुत ही अच्छा मकान बनाया गया और जिसका जो गेट आप देख सकते हैं पूरा आयरन का गेट दिया जा रहा है, लगभग पूरा 8 से 9 फीट की हाइट आ जा रही है और ऊपर भी इसमें आपको कवर्ड करके पूरा दिया जा रहा था ताकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत बेटर हो सके। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये हमारा पोर्च एरिया आ जाता है। तो पोर्च एरिया लगभग ये आपका 20 फीट के करीब आ जाएगा, 20 फीट का पोर्च आपको मिल जा रहा है। तो बड़ी से बड़ी कार आपको आराम से सिर्फ इसमें पार्क हो जाएगी और पोर्च एरिया से ही आपको जीना मिल जाता है जो ऊपर की तरफ जाएगा, जिस पे SS की रेलिंग सारी चीज़ें लगा के दी गई हैं। और बाहर की तरफ देखेंगे तो ये हमारा लॉन एरिया आ जा रहा है। लगभग ये 6x मेरे हिसाब से 9 के करीब आएगा, 6x9 के करीब आपको लॉन एरिया मिल जा रहा है। लॉन एरिया में ही आपको समरसेबल पंप लगा के दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत खास तरीके से देखी गई हैं। इसका जो विंडो बाहर से देखेंगे तो 6x6 का विंडो आपको मिल जा रहा है। अब चलते हैं अंदर की तरफ मकान में। तो ये हमारा दो इसमें गेट आ जाते हैं, एंट्री गेट दो आ जाते हैं। एक आपका मेन एंट्री गेट वो आ जाएगा जिससे वगैरह वगैरह आप लोग अंदर जा सकते हैं। इसके बाद गेस्ट एंट्री आपको ये मिल जा रही है। बाहर की तरफ ही आपको MCV पॉइंट मिल जा रहा है, समरसेबल पॉइंट मिल जा रहा है और सारे स्विचेज आपको मिल जा रहे हैं। स्विचेज इसमें जो दिए जा रहे हैं सारे एंकर कंपनी के आपको दिए जा रहे हैं, जो एक ब्रांडेड कंपनी है। और दरवाज़ों में भी देखेंगे तो सारे दरवाजे आपके क्या है, 2 पल्ले के दरवाजे दिए, डबल चौखट के दरवाजे आपको दिए जा रहे हैं। बाहर से अगर देखेंगे तो मॉस्किटो नेट वाला दरवाज़ा आपको दिया जा रहा है ताकि मच्छर मक्खियों से आपको छुटकारा मिल सके। अंदर से अगर आप देखेंगे तो वुडन का अच्छा वर्क करके दिया जा रहा है, मजबूत दरवाजे आपको अंदर से भी दिए जा रहे हैं। और अभी हम एंट्री कर चुके हैं तो अभी हम हैं ड्राइंग हॉल में। और ड्राइंग हॉल का अगर साइज़ देखेंगे तो ये लगभग आपका 10x9x आपका 15 आएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरे मकान में आपको फॉल सीलिंग करके दी जा रही है। तो पूरे मकान में फॉल सीलिंग है, स्टैंडर्ड साइज़ है। दीवारों का कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर किया गया है। तो बहुत ही अच्छा मकान है। और हम एंट्री करते हैं अंदर की तरफ जैसे ही आते हैं। तो ड्राइंग हॉल के बाद हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये भी स्पेस, अच्छा खासा स्पेस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आराम से आप 4 से 5 कुर्सियों का टेबल आराम से आप लगा सकते हैं। उससे क्या है कि आपको डाइनिंग एरिया आपका अच्छा हो जाएगा। और डाइनिंग एरिया से आपको ओपन टाइप किचन मिल जा रहा है, जो आजकल डिज़ाइन यही चल रहा है कि ओपन टाइप किचन चल रहा है। तो पूरा मॉड्यूलर किचन आपको मिल जा रहा है, 4 बॉक्सेस आपको ऊपर मिल जा रहे हैं और ये बीच में जो आपका चिमनी का पोर्शन आ जाएगा। और नीचे की तरफ आप देखेंगे सारे पुलआउट्स आपको दिए जा रहे हैं जो बेहद अच्छी क्वालिटी के हैं, स्टैंडर्ड सारी क्वालिटीज़ आती हैं। और इससे इस तरफ आप देखेंगे तो आपका सिंक का ऑप्शन आ जाता है। और इस किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी जा रही है, ये भी लगभग आपकी 3x4 के करीब आ जाएगी। तो प्रॉपर अच्छी खासी विंडो आपको मिल जा रही है। अब चलते हैं हम इसमें बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम से जाने से पहले हम देखेंगे तो ये हमारा कॉमन वाशरूम आ जाता है। और ये कॉमन वाशरूम जो इसका अगर लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो ये लगभग आपका 7x4 के करीब आएगा। तो इसमें हम कॉमन वाशरूम आपको इंडियन वाशरूम दे रहे हैं, तो एक अच्छा डिज़ाइन करके ये भी आपको दिया जा रहा है। अच्छी हाइट्स में इसमें टाइल्स भी लगा के दिए जा रहे हैं ताकि पानी पड़ने पर आपकी पुट्टी पेंट खराब ना हो। और
इसके बाद चलते हैं हम अंदर की तरफ, ऊपर भी दिखा दीजिएगा। ये हमारा OTS आ जा रहा है, तो प्रॉपर मकान में वेंटिलेशन के लिए आपको OTS मिल जा रहा है, छोटा सा आंगन मिल जा रहा है, यहीं पे अपना वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह आप रख सकते हैं। सारे पीछे आपको इसमें पॉइंट दिए गए हैं और इसमें आपको 3 पॉइंट मिल जा रहे हैं। तो इसमें भैया जो फिनिट्री फिटिंग्स लगा रहे हैं, किस कंपनी के लगा रहे हैं? इसमें जो है हम लगाएंगे जैगवार के। जैगवार के सारे ब्रांडेड, अगर आप देख सकते हैं जैगवार कोई नहीं लगाता, तो जैगवार कंपनी के आपको सारे फिनिट्री फिटिंग्स मिल जाएंगी। ये हमारा पहला बेडरूम आता है, इसमें भी फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। अभी क्या है कि लाइट का थोड़ा इशू है, अभी हमने कनेक्शन नहीं लिया, इस वजह से इसमें आपको लाइट जला के नहीं दिखा पा रहे, लेकिन सारी कंसील लाइट के साथ आपको पूरी फॉल सीलिंग मिल जा रही है, बेहद अच्छी है। बहुत ही अच्छा पेंट किया गया, एक लाइट कलर का पेंट किया जा रहा है, कोई हैवी पेंट नहीं है, लाइट पेंट है जो कि अच्छा होता है। और इसी से देखेंगे तो हमारा दूसरा बाथरूम जो है, ये बाथरूम हमारा दोनों बेडरूम पे अटैच, अगर आप चाहेंगे दोनों बेडरूम पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बेडरूम पे इसमें दरवाजे दिए गए हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा OTS आता है जो प्रॉपर वेंटिलेशन दोनों बेडरूम के लिए भी आ जाता है। और इसी के बाद ये हमारा दूसरा बाथरूम आ जाएगा जो अटैच वाशरूम आपको मिल जा रहा है दोनों बेडरूम से OTS के थ्रू। तो ये बेडरूम, ये बाथरूम का साइज़ भी हमारा लगभग 4x5 के करीब आ जाएगा और ये वेस्टर्न आपको दिया जा रहा है। और इसी बेडरूम से हम इस OTS के थ्रू दूसरे बेडरूम में भी आ जाएंगे। और इस बेडरूम का जो साइज़ दिया गया है स्टैंडर्ड साइज़ है, बहुत ही बड़ा साइज़ है, लगभग ये 13x14 फिट का आपका बेडरूम आपको मिल जा रहा है। अभी थोड़ी लाइट स्लो, इस वजह से शायद आपको अंधेरा इस मकान में लग रहा हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है बेडरूम का और ऊपर फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छी की गई है। और इस बेडरूम के साथ आपको एक स्टोर रूम मिल जा रहा है, ये भी लगभग आपका 4x5 के करीब आपका स्टोर भी आ जाएगा। तो इस मकान में सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। इस मकान में दो बेडरूम, दो बाथरूम के साथ ड्राइंग हॉल मॉडलर किचन आपको दिया जा रहा है। पोर्च एरिया बहुत ही अच्छा, बड़ा सा आपको पोर्च एरिया दिया जा रहा है। आइए चलते हैं ऊपर चल के एक बार आपको दिखा देते हैं सराउंडिंग, जो हमारी लोकेशन है। रोक लेना, अभी हम चल रहे हैं छत के ऊपर। अभी आप जीना देख सकते हैं, 3 फीट का आपको जीना दिया जा रहा है, जिसमें हम आपको व्हाइट मार्बल लगा के दे रहे हैं। और मार्बल के साथ अगर आप रेलिंग की बात की जाए तो SS की आपकी रेलिंग मिल जा रही, जो ISI मार्क की आपकी रेलिंग है, सारी चीज़ें। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और मकान को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, बनाया गया है, सारी चीज़ें। एक एक चीज़ क्या है कि ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम आपको डेवलप करके इस मकान में दे रहे हैं। जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो देखेंगे एक छोटा सा स्टोर, एक्स्ट्रा सामान अगर आपके पास है तो आराम से यहाँ पे अपना शिफ्ट कर सकते हैं। और ये इस ममटी में भी आप देख सकते हैं पूरा ग्लास वर्क करके आपको दिया जा रहा है। तो ये बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मकान में एक मकान को सुंदरता आपको दिखाती हैं। अब हम आ चुके हैं छत के ऊपर, तो छत का भी पोर्शन आप देख सकते हैं पीछे। इसकी जो डेप्थ है वो 60 है और आपका जो फ्रंट है वो आपका 19 फीट है, 19x60 आपका लगभग 1100 स्क्वायर फीट के करीब मकान आपका आ जा रहा है। और अंत में बात कर लेते हैं इस मकान के रेट की। तो इस मकान का जो रेट रखा गया वो 52 लाख रुपये रखा गया है, क्योंकि इस लोकेशन में क्या कि ज़मीनें बहुत महंगी, लगभग 3000 स्क्वायर फीट में हमको ज़मीन मिलती है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, चारों तरफ बसावट है, सारी चीज़ें हैं। और टेढ़ी पुलिया से एक बार इसकी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, टेढ़ी पुलिया से 1 किलोमीटर पड़ेगा। और कुर्सी रोड से अगर आप देख रहे हैं तो गायत्री मंदिर एक लैंडमार्क कुर्सी रोड का है, जो टेढ़ी पुलिया से 500 मीटर की दूरी पड़ता है, वहाँ से ये मात्र 700 मीटर की दूरी आपकी पड़ेगी। तो टेढ़ी पुलिया से 1 किलोमीटर है, कुर्सी रोड से 700 मीटर की दूरी पर सराउंडिंग सारे अच्छे स्कूल, सारे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। और इस मकान की अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी विजिट कर सकते हैं। और सिंगल यूनिट हमारे पास इस मकान की है, तो ये पश्चिम फेस का मकान है, 1100 स्क्वायर फीट का मकान है और इसका जो प्राइस है वो आपको 52 लाख रुपए है। और अंत में ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।